भारतीय नौसेना ने एक बार फिर से कमाल कर दिखाया है। नौसेना ने 19 पाकिस्तानी नागरिकों सहित पूरे जहाज को समुद्री लुटेरों के चंगुलों से सुरक्षित निकाला है। सोमालिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में तैनात भारतीय नौसैनिक युद्धपोत INS सुमित्रा ने एक ही दिन में दूसरी बार ये कारनामा कर दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सोमालिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में तैनात एक भारतीय नौसैनिक युद्धपोत ईरान के झंडे वाले एक जहाज और उसके चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित रिहा कराया। इसका कुछ समुद्री लुटेरों ने अपहरण कर लिया था। नौसेना ने बताया कि भारतीय नौसेना ने कल रात जहाज से मिली अपहरण की सूचना पर फौरन कार्रवाई की। आपको बता दें कि इस अभियान के कुछ ही घंटों पहले सोमाली समुद्री डाकुओं ने एक और ईरानी झंडा लगे मछली पकड़ने वाले जहाज MV ईमान को हाईजैक कर लिया था। इसके बाद नौसेना के INS सुमित्रा को मदद के लिए भेजा गया। अभियान के दौरान भारतीय नौसैनिकों ने जहाज और उसके चालक दल को 17 सदस्यों के साथ सुरक्षित रिहा कर दिया। भारतीय नौसेना ने कहा कि इस अभियान के कुछ देर बाद उसके युद्धपोत INS सुमित्रा को एक बार फिर जहाज को हाईजैक करने संबंध में सूचना मिली। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए INS सुमित्रा ने हाईजैक जहाज का पता लगाया। इस पर समुद्री डाकू सवार थे। उन्होंने 19 पाकिस्तानी नागरिकों को बंधक बनाया था। नौसैनिकों ने बड़ी ही मुस्तैदी से कार्रवाई को अंजाम दिया और बंधक बनाए गए 19 पाकिस्तानी नागरिक चालक दल के सदस्यों को बचा लिया। युद्धपोत के नाव के साथ चालक दल की सुरक्षा रिहाई के लिए समुद्री डाकुओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया। नाव के साथ सभी 19 चालक दल के सदस्यों की सफल रिहाई सुनिश्चित की। नौसेना ने इस अभियान की कुछ तस्वीरें शेयर भी की जिनमें लुटेरों को बंधक बनाया दिखाया गया। नौसेना ने अपने बयान में कहा, INS सुमित्रा ने 36 घंटे से भी कम समय में अपने तेज निरंतर और अथक प्रयासों से कोच्चि के लगभग 850 नॉटिकल मील पश्चिम में दक्षिण अरब सागर में 36 चालक दल 17 ईरानी और 19 पाकिस्तानी के साथ दो हाईजैक मछली पकड़ने वाले जहाजों को बचाया और उनका दुरुपयोग होने से रोका है। बता दें कमर्शियल जहाजों पर डकैती डालने के लिए ये लुटेरे इसी तरह के हाईजैक किए हुए मछली पकड़ने वाले जहाजों का इस्तेमाल करते हैं। इन जहाजों को मदरशिप कहते हैं। इससे पहले नौसेना प्रवक्ता ने कहा, हिंद महासागर क्षेत्र में लुटेरों को खदेड़ने और समुद्री सुरक्षा अभियानों में भारतीय सुरक्षा नौसैनिक युद्धपोत की तैनाती समुद्र में सभी जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के प्रति भारतीय नौसेना के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। इससे दो दिन पहले भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS विशाखापत्तनम ने एक वाणिज्य टैंकर जहाज पर लगी आग को बुझा दिया था जिस पर भारतीय चालक दल के 22 सदस्य सवार थे। इस पर अदन की खाड़ी में एक मिसाइल से हमला किया गया था। गौरतलब की INS सुमित्रा को इस समय समुद्री डकैती रोधी अभियानों के लिए सोमालिया के पूर्वी तट और अदन की खाड़ी में तैनात किया गया। हाल के सप्ताहों में अरब सागर सहित दूर से समुद्री इलाकों में जहाजों पर हमले बढ़ते रहे। वहीं लाल सागर में भी तनाव बढ़ गया है और अदन की खाड़ी एवं सोमाली तट पर समुद्री डकैती फिर से बढ़ गई है। बढ़ते खतरों को मद्देनजर रखते हुए नौसेना ने अरब सागर में निगरानी बढ़ा दी है और लगभग 10 युद्धपोतों को तैनात कर दिया है। समुद्री निगरानी विमान PHI रिमोट से चलने वाला विमान, सी गार्डियन, डोर्नियर हेलीकॉप्टर और तटरक्षक जहाज क्षेत्र में सुरक्षा को मौजूद करने के लिए प्रयास का हिस्सा है। वहीं आपको बता दें, हाल ही घटनाओं में अरब सागर में समुद्री डकैती फिर से सुर्खियों में ला दी गई है। इस क्षेत्र में समुद्री डाकुओं के हमले 2008 और 2013 के बीच चरम पर थे, लेकिन क्षेत्र में दुनिया के अन्य देशों के सहयोग और ठोस प्रयासों के कारण इसके बाद लगातार गिरावट दिखाई गई। हिंद महासागर को लेकर यूरोपीय संघ नौसेना बल ऑपरेशन अटलांटा द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2008 से 2013 के दौरान इस क्षेत्र में लगभग 700 समुद्री डाकुओं ने हमला किए, लेकिन 2014-2019 के बीच यह आंकड़ा घटकर मात्र 16 रह गया है। पिछले 3 वर्षों में इस क्षेत्र में समुद्री डकैती का पहला प्रयास दिसंबर 2023 में दर्ज किया गया था। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।